सुनिए ना, क्या हुआ? जरा ऊपर आइए ना, जल्दी वहां देखिए क्या है। वो आदमी हमारे घर की तरफ हाथ दिखाकर बातें कर रहा था। घर में पैसे पड़े हैं, मुझे तो डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जाके पूछता हूँ, तुम आराम करो, ठीक है? मुझसे मिलने आए हो क्या? तुम उसे पैसे छीन कर ले गया था ना? वो पैसे तुझसे कैसे वापस लेना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए ढूंढने के लिए गुंडों को भेज दिया? नहीं, गुंडे नहीं भेजे, वो तो मैं तुझसे खुद ही छीन लूंगा। अरे हाँ, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने खुद मेहनत करके सारे पैसे कमाए। संभल जा, पैसे किसी को अमीर बनाता है तो वही पैसा किसी को जमीन पर भी ला सकता है। सुधर जा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हेलो, मैं शेखर बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर पर रेड पड़ने वाली क्या? है रेड पड़ने वाली है। रेड देवनाथ की फाइल के लिए। हमारे घर में वो फाइल कहाँ से आई? मुझे पता नहीं, होशियार रहना। क्या हुआ जी? हमारे घर में फाइल ढूंढने के लिए रेड पड़ने वाली है, पता नहीं। और अंदर पैसे हैं? माँ जी, वो शाम के वक्त काम हो जाएगा। सुन, के बैग अपने घर ले जा। क्या हो गया? जा जा, तू अपने घर ले जा। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सर्च वारंट है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? हम दुखी हैं, ऊपर से और परेशान कर रहे हैं आप। सॉरी फॉर द ट्रबल। हेलो। क्यों तरुण, घर में रेड पड़ी, कैसा लग रहा है? जानता हूँ ये घिनौना काम तेरा है, लेकिन तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ। ओ, तो फिर पैसा तूने मनीष के घर में छुपाया होगा, है ना? अब तो मुझे मनीष को भी हॉस्पिटल पहुंचाना ही पड़ेगा। उसी दिन तुझे बोला था कि पैसे तुझसे मैं छीन कर ले जाऊंगा। पैसे भी औकात देखकर किसी के पास रहते हैं। तेरी फैमिली की औकात ही नहीं है। मेरी बात सुन, ये हीरोगिरी छोड़कर अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश कर। देख, जिंदगी में एक आदमी जीतने के लिए पैदा होता है और एक आदमी हारने के लिए। और तू मुझसे हारने के लिए, जैसे तूने हेमा को मुझसे हारा है। मैंने बहुत कोशिश की दोस्त, लेकिन पैसे नहीं बचा सका। सॉरी। हेलो, मैं तरुण बोल रहा हूँ। बोलो बेटा। अंकल, मुझे एक नंबर के आखिरी 15 दिनों के फोन रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं क्या? बेटा, हम तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं। कोशिश कीजिए ना। 15 मिनट में ट्रेस कर लेंगे, चिंता मत करो। यार, लास्ट 15 डेज से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है,
उसने ऑन करके बार बार इस नंबर पे कॉल किया था। फ्लैट का 23 इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, बाकी का 23 इंस्टॉलमेंट लेकर आओ। ए, तुम कैसे आदमी हो? हमारी आपस की डील बाहर कैसे लीक हो गई? अरे मैं क्यों बताऊंगा, एक आदमी आया था, बोला तुमने डिटेल लेने के लिए भेजा है, 7 बजे उसे मैंने बुलाया था। ए, कोई भी पूछेगा तो तुम मुझे बता दोगे? ये है माँ का नंबर, ये उसकी माँ का नंबर, इस नंबर पे कई बार कॉल किया था। तुम मुझे फोन करके एक बार बोल सकते थे। जैन बिल्डर्स, ये बिल्डर का नंबर है, जैन बिल्डर्स। खैर छोड़ो, मैं पैसे लेकर के आया हूँ, अब डील होगी या नहीं? सारी जगह बिक गई और तुम भरोसेमंद आदमी नहीं लग रहे। ये पैसे व्हाइट हैं या ब्लैक पता नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते रहते हैं, तुम्हारे साथ डील ही नहीं करनी। इस नंबर पे कॉल करके देख। हेलो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? सर वो पैसों की बात करनी थी। कौन से पैसे? वो मुझे बिजनेस के लिए पैसे। हेलो, कौन से बिजनेस के लिए? सर वो पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। अरे कौन हो तुम? सर मुझे ये नंबर दिया गया है आपसे बात करने के लिए। दिया था? क्या नाम है उसका? वो हेलो, रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। इस नंबर की डिटेल और एड्रेस बताकर। हेलो हेमा डार्लिंग, तुम क्या कर रही हो? मुझे कैसे फंसाना इस बात का प्लान बना रही हो तुम? बोलो, तुम्हारा बनाया हुआ प्लान कामयाब हो गया? वो मुझसे पैसे ले गया। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की बेइज्जती तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम जानना चाहती हो वो कितना दुखी है? सुनोगी क्या? हाँ, कैसे वो आंसू बहा रहा होगा? रुको, मैं तुमको अभी सुनाता हूँ। हेलो। क्यों मेरे भाई तरुण, पूरे परिवार के साथ आंसू बहा रहा है, और देख तेरी वजह से हेमा यहाँ कितना दुखी है। सुनना चाहेगा? सुन। हेमा यहाँ पास में बैठी है, सब कुछ सुन रही है। अरविंद फोन रख दे, उसके सामने तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तू मेरी बेइज्जती करेगा? कैसे करेगा बे? देख मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोन रख दे, तेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगे। ए, तू मेरी बेइज्जती करेगा? कैसे करेगा बता? मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ और तू हारने के लिए। अरविंद, तूने अमरदास का नाम सुना है क्या? कहीं सुना हुआ लगता है ना। ए, 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 ए। यहाँ पर अमरदास जी रहते हैं। आप कौन? उनसे फोन पे बात हुई थी, एक काम के सिलसिले में मिलना है। कौन है आप? सर मेरा दोस्त गायब हो गया है, आखिर में जिनसे भी बात की थी उससे मैं पूछताछ कर रहा हूँ सर। अच्छा, उसका नाम? उसका नाम तरुण है सर। तरुण नाम के किसी भी शख्स को मैं नहीं जानता। ओ अच्छा, उसने तो आपका ही नाम लिया था। अरे अरे, फोन में बैलेंस नहीं है, आपके फोन से फोन कर सकता हूँ? थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने उसका नाम बदल के बोला सर, उसका नाम अरविंद है। हेलो, ध्यान से सुनो, अरविंद बस मेरा एक दोस्त है और कुछ नहीं, उससे ज्यादा हम दोनों में कुछ नहीं है। अभी मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। अरे पिताजी ने हमें ये अलमारी खोलने के लिए मना किया है, चलो कहीं और जाके छुपते हैं। नहीं, मुझे यही छुपना है। सर प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? उसने तुझे पैसा दिया था या नहीं? सर, बिजनेस के लिए ब्लैक मनी व्हाइट करने को बोला था बस, मुझे सिर्फ कमीशन मिलेगा। अरविंद, तूने धोखे से मेरे पिताजी से 1 करोड़ लिए थे, लेकिन तेरे बाकी के 4 करोड़ रुपए मेरे पास है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा था फोन रख दे, पत्नी के सामने बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन तू नहीं माना। तूने ज्ञान दिया था ना
कि पैसे औकात वालों के पास रहते हैं, तेरे पास नहीं रहेंगे। तू भी मेरे परिवार वाला ही है ना, इसलिए पैसे तेरे हाथों से चले गए। पता क्या मैं तुझसे हारने वाला हूँ? तेरी चीटिंग की वजह से शायद अमेरिकन हार सकता है, फ्रेंच हार सकता है, कोरियन हार सकता है, जापनीज हार सकता है, चाइनीज हार सकता है, इटालियन हार सकता है, स्पेनिश हार सकता है, जर्मन भी हार सकता है, लेकिन तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तरुण को हराने के लिए। क्या हो गया, पैसे डूब गए क्या? 4 करोड़ डूब गए? 1 करोड़ में इतना घमंड दिखा रहे थे और इतने पैसे डूब गए? वैसे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की आवाज काफी अच्छी है, कमाल का है वो। तुम्हारी बोलती बंद कर दी। पैसा पैसा कर रहा था, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने तेरी बोलती बंद कर दी। पैसा पैसा कर रहा था। ये! इस बात को